मत लिया करो, उसमें बहुत कम बच्चे आते हैं, नोटिस किया है। हाँ सर, थर्टी बढ़िया है, सिक्स के कमाते अंदर हैं तो टाइम। अच्छा लगेगा। तुम लोग बढ़िया फ्री हो? तो शोर शराब हाँ सर, सर उसमें ये लिखा है कि सर वो काफी तरह से जाती है, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, एनर्जी साइकिल में, और सर जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर पावर्स होता है वो काफी साइकिलों में हो सकता है, जैसे कि सर प्रेसिपिटेशन होता है अपनी अर्थ पे, और सर काफी कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स हो जाता है। और और सर इसमें ये लिखा है कि सर ये जो प्रेसिपिटेटेड वाटर होता है सर, वो लैंड में आता है, और सर वो किसी भी फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, जैसे सॉलिड लिक्विड, और सर वो किसी भी तरह से मूव हो सकता है वन फेस से अनादर, जैसे एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, और सर कुछ और प्रोसेस है, सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, ऐसे कुछ। तो सर वाटर किसी भी वे में ट्रेवल कर सकता है इस हिसाब से। तो सर इसमें ये भी लिखा है कि 71% ऑफ वाटर है अर्थ पे, और सर सब वाटर जो है पूरे अर्थ पे वो जो ज्यादातर सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर, सर इन सब में कवर होता है, और सर एनीवन ज्यादा से एल्स? ज्यादा वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता। एनीवन एल्स? हाँ चलो मैं बताता हूँ थोड़ी बहुत बातें मैं भी अपनी तरफ से। 71% पहली बात तो वाटर है, ज्यादातर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ओशियन का और सी का है। जो हमारा 71% है उसको मैं अगर 100% मान लूँ, मतलब अगर 71 लीटर वाटर हमारे पास अवेलेबल है मान लो, तो 71 लीटर का जो 97% पार्ट है वो 97% पार्ट नॉन ड्रिंकेबल है, उसको पिया नहीं जा सकता है। वो लिक्विड वाटर नहीं, ऐसा वाटर नहीं है जो डायरेक्टली उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। अगर उसको प्योरीफाई करें उसके बाद ही उसको हम यूज कर सकते हैं। 97% वाटर। जो हमारा 0.5% वाटर है वो केवल फ्रेश वाटर है जिसकी अवेलेबिलिटी है और उसको हम पी सकते हैं। अरे उसके बाद जो 2.5 बचता है, उस 2.5% वाटर में फ्रोजन वाटर आते हैं जो कि जमा हुआ है। तो तीन तरीके की चीजें हम बताई हमने। पहली बात, 71% वाटर का है कंटेंट, और 71% वाटर, फ्रोजन वाटर को बॉईल करके हाँ तो पिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको कौन बॉईल करने आता है पहाड़ों पे? अरे जमा हुआ का मतलब हमारे घर के सामने जमता नहीं है ऑब्वियसली, कहीं माउंटेन्स पे या फिर कहीं आइस कोल्ड कंडीशन में या फिर कहीं लो टेम्परेचर वाली सर एटमोसफेयर में ही आपने जमता है। ग्लेशियर्स देखे हैं क्या? अच्छा, देखे हैं बेटा, हमारे घर के वहां पे हम जहां रहते थे वहां पे बगल में ही मैं कॉलेज था ना, तो वहां से 100 किलोमीटर दूर पे ही होते थे। तो पंजाब के, ग्लेशियर हाँ पंजाब के बगल ही है हिमाचल, तो वहां पे बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। ठीक मैं है, गया था सर, रोहतांग मैं क्या रोहतांग गया था सर, रोहतांग। गए थे? कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा सर, इतने मोटे मोटे से कपड़े पहने पड़े थे। अच्छा, चलो तो कुल मिला के बात यह है कि वाटर का जो रिसोर्स है 71% लगभग वाटर का है। वाटर को कई तरीके से पाया जाता है, जैसे कि वो लिक्विड कंडीशन में, वेपराइज्ड कंडीशन में और सॉलिड कंडीशन में, तीनों कंडीशन में पाया जा सकता है। उसके साथ साथ इसकी बहुत सारी यूजेस भी हैं, लाइक हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह से यूज करते हैं, कहीं पे हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लाइक किसी दूसरी चीज के साथ इसको हम रिएक्ट करवा के भी रख सकते हैं। वहां पे भी ऐसे मान लो फ्रूट्स वगैरह हैं या प्लांट वगैरह हैं तो उनमें भी वाटर कंटेंट होता है, तो क्योंकि वो भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर उनके अंदर भी पाया जाता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अगर हम इनको जानना चाहें तो। अभी हमारे पास जो कुछ नॉर्मल रिसोर्सेज हैं उनमें से रेनफॉल नेचुरल लेक्स या फिर रिजर्वायर या रिवर्स वगैरह में पाए जाते हैं जो हमारे आसपास हैं, और सी वाटर का कंटेंट जो है पूरा पूरा जो कंटेंट होता है वो सॉल्टी होता है, उसमें NaCl की मात्रा ज्यादा होती है। तो फिर अगर हमें उसको प्योरीफाई करके पीना है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं जनरल कंडीशन में नहीं करते यूज, हम पीने के लिए एटलीस्ट नहीं करते, लेकिन सोडियम क्लोराइड निकाल के उसके अंदर से जब उसके बाद अगर हम उसको प्योरीफाई करें तो प्योरीफाई कर सकते हैं सी वाटर को। ठीक है, इसके लिए कुछ टाइप की मशीन नहीं बनी है ना अभी तक, कि मशीन मशीन का बना क्या लो। यूज है? अपना अपना घर वाला जो जो अपने घर में क्या लगा होता है, एक्वाफ्रेस? फिल्टर, आरओ, आरओ सर, आरो? आरओ, तो आरओ, आरो आरओ तो डायरेक्टली नहीं प्योरीफाई करेगा, लेकिन फिर भी आरो जैसी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो प्योरीफाई करती हैं। सर, बताया तो मैंने कि डिस्टिलेशन रिसाइक्लेबल, के अरे काम रिसाइकल्स बनाई हैं अभी,
नई नई इंडस्ट्रीज ने बनाई है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंडस्ट्री में गया था, तो वहां पे भी ऐसा है कि वो नहाने के लिए जो उनके उनके यहाँ से जो कपड़े बनाने के बाद वहां पे कपड़े बनते हैं, तो उस इंडस्ट्री में क्या है, कपड़े बनाने के बाद जो पानी उनका निकलता है वेस्ट की तरह से, कपड़े में क्या पानी। पानी लगता है? गजब आदमी हो तुम यार, कपड़े को डाई करते हैं ना, कपड़े नहीं धोते, कपड़े को धोते डाई नहीं करते सर। हैं, ओके ओके कपड़े को डाई करते हैं, उसके बाद जब मशीन चल रही होती है उसमें भी तो पानी लग रहा होता है। कोई मोटर बिना पानी के चलती है ओके क्या? हाँ सर, दोनों। हाँ सर, सही सर। अपनी हाइड्रो आपके कार भी देखो इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें भी थोड़ा बहुत पानी लगता है इंजन को, सिस्टम को चलाने के लिए, तो वहां भी सर, पानी, यस। बड़ी बड़ी मोटर्स होती है उनको पानी की जरूरत होती है मोटर को सही करने के लिए। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन होता है, उसके साथ सर साथ इन्वर्टर एंड जनरेटर, हाँ उसको धुलते भी हैं, उसको डाई करते हैं, फिनिश करते हैं, वहां पर भी डाइंग वगैरह में भी पानी का यूज होता है। उसके बाद कई जगह ऐसा होता है कि जो मतलब जैसे सिल्क वगैरह की इंडस्ट्री है, वहां पर तो बहुत सारा पानी का वेस्ट जाता है, क्योंकि वो पानी को यूज करते हैं उसको वॉश करने के लिए, उसके बाद उसमें बहुत सारी अजीब टाइप की स्मेल भी आती है, फिर वो बाहर करते हैं, वो एकदम ब्लैकेस्ट पानी हो जाता है वहां पे। तो उस पानी को भी वो रिसाइकल करके उसको यूज करते हैं अब के टाइम में नहाने के लिए, सर आपने किस कंपनी की इंडस्ट्री में देखा ग्रासिम में। था? कौन सी ग्रासिम सर जी, किस चीज की? कपड़े की है, पेंटालून में जाते हो ना कपड़े खरीदने, हाँ यस, सर। वो जो कपड़े पेंटालून मिलते हैं वो सारे वहीं से आते हैं। अच्छा, आपके माइक से बहुत बेकार। सर ये वाली अभी जो मैं टी शर्ट पहना हूँ वो भी पेंटालून कंटारा से मैं बना बस है। कर यार, तुम्हें तुम्हें फर्जी बात करने को मिल जाए, बस उल्टी सीधी बातें तुम्हें चाहिए। चलो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, तुम्हें कंटेंट नहीं पता होगा। कितने परसेंट पानी ड्रिंकेबल है अर्नो चतुर्वेदी? 3%, हैं 3%, 3%? ना हम जानते थे ड्रिंकेबल, सर 1% हो गया है, 0.5, जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट परसेंट खत्म फाइव, टू हो गया। पॉइंट अब तो फ्रोजन है, फर्स्ट से थ्री 2.5 और 0.5 को जीरो एक्सेप्ट पॉइंट दिया। थ्री 0.5, अरे बुक में जीरो देख पॉइंट लो, फाइव 0.3। अभी तो सर ने बोला। इनके साथ अरे साथ बुक में देख लो, अभी सी तो सर वाटर ने ग्लासेस सब बोला। ड्रिंकेबल है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, लिखो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख लेना। ऑन द अर्थ, नहीं बोलोगे कि ऐसे ही बढ़ गया आगे। ऑन द अर्थ 71% वाटर कंटेंट प्रेजेंट। ठीक है, वाटर कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। किसी भी फेज में पाया जा सकता है, चाहे वेपराइज्ड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो। वो रोहतांग गया था, उसने सॉलिड देखा होगा, घर पे उस घर पे हमारे जो मिलता है वो लिक्विड मिलता है, और ऊपर जो एटमॉस्फेयर में मिलता है वो वेपराइज्ड होता है। सर ये फेज लिखा है सेकंड पॉइंट में, सर हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? आने वाला है बस 5-6 दिन में। चलो ठीक है ठीक, मैं कुछ बात थी, मुझे कुछ देना था इसलिए मैंने सोचा क्या देना है सर? आज किसी का क्या होता है तो। सर, सर बिना सर क्या बर्थडे है के दे सर, दो। हम जिस दिन हमारा होगा सर हम उसी मेरा है, दिन मेरा कहेंगे अभी वेदांत बना का, लेंगे। सर वेदांत का है आज, सर मेरा है, सर टू मेरा पॉइंट है। फाइव परसेंट 2.5% ऑफ वाटर इज भीड़ है फ्रोजन वहां वाटर, इज फ्रोजन वाटर, 0.5% ड्रिंकेबल, एंड 97% इज सी वाटर। पर। मेन रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्स हैं? लेक रिवर सी ग्लेशियर्स आइस कैप सी लेक और
रिवर रिवर यही सब ऐसे ईटीसी सर आपने मेन ही नहीं लिखा ओशन लिख लो तुम लिख लो सब लिख लो ओशियन भी वशिष्ठ गुप्ता कलाकारी है मिलते हैं बेटा मिलते हैं। कल आप कोचिंग में रहेंगे सर कल क्योंकि हम लोग आ रहे हैं ना क्या करने आ रहे हो सर कोडिंग वर्कशॉप सर चलो आगे बढ़ते हैं मेरा भी लास्ट पॉइंट बचा था अरे यार अर्णव चतुर्वेदी अपने भाई को मार दिया खेल खेल में सर वो खेल खेल ही नहीं पाया फिर स्नो में बस के अंदर ही बैठा रहा स्नो में कंपोजिशन ऑफ वाटर Composition of water. Composition का मतलब होता है mass percentage. मतलब mass का क्या composition का मतलब समझते हो? Ratio एक तरीके से. Mass का ratio या फिर ratio उनका जो भी substance का weight है या फिर जिस भी तरीके से वो add on है. तो जनरली हम मास का ratio निकालते हैं तो composition जो है mass में calculate करते हैं. Water का formula क्या होता है? H2O. हाइड्रोजन का मास कितना होता है One. अगर दो हाइड्रोजन है तो टोटल कितना two. ऑक्सीजन का कितना होता है 18. कैंसिल आउट करो 2 into 1 1:8 का रेशियो होता है इनके मास का रेशियो यानी कंपोजिशन जो होता है वाटर कंपोजिशन 1:8 का आता है राइट तो कंपोजिशन ऑफ वाटर विल बी 1:8 उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा तो कंपोजिशन ऑफ वाटर में क्या एलिमेंट का कंपोजिशन एलिमेंट का एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा एक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है ठीक है और वाटर क्या यहाँ पे लिखना कुछ पॉइंट वाटर इज ए कंपाउंड इट इज हैविंग हाइड्रोजन and oxygen it is having hydrogen and oxygen ratio is 1:8 ya composition isi ko bol sakte ho कंपोजिशन कितना है 1 इस तो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और जो ऑक्सीजन का एक उसे 2:1 होता है ना बेटा ये कंपोजिशन का रेशियो ये वेट रेशियो है रेशियो इज 1:8 कंपोजिशन ये वेट का है ना कि उसके मॉलिक्यूल का है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम नहीं हम बोल रहे हैं हम वेट का रेशियो बोल रहे हैं ठीक है मॉलिक्यूलर वेट 2 है जो हाइड्रोजन 2 है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट 2 और ऑक्सीजन 1 है तो उसका एटॉमिक वेट 16 है तो 2:16 का वैल्यू कितना आएगा 1:8 का रेशियो या वेट या बाई मास यहां पर लिख सकते हो उसको
ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। रुको जरा, यार ये बैकग्राउंड ब्लैक हो सकता है क्या? हाँ सर, हो जाएगा ना। कैसे सर? आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड डाउनलोड करना पड़ेगा। हैं? गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से डाउनलोड करके। नहीं नहीं, वो बैकग्राउंड नहीं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड जो है ये ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा ना। आप सर किस पे हो सर? ये इस पे हो ना? नहीं सर, जूम के पे नहीं। सर जूम के पे हो जाएगा सर। आप सर नेक्स्ट पेज पे ट्राई करिए सर। नेक्स्ट पेज पे वो एक ऑप्शन आता है, ड्रॉ में आएगा ऑप्शन। ड्रॉ एक सर, ड्रॉ में सर एक स्क्वायर जैसा ऑप्शन होगा। ड्रॉ है ना सर आपका स्क्वायर, बॉटम लेफ्ट सर? नहीं सर, ऐसा ही दूसरा, कोई दूसरा होगा ऐसा, कोई प्रॉपर ब्लैक होगा प्रॉपर। सर रुक के मैं, हाँ सर ऐसे ही ब्लैक बन जाएगा। कहाँ बना यार? ब्लैक कलर का लीजिए सर, कलर चूज कर। ब्लैक कलर, कलर चूज कीजिए। थोड़ा सा नकली सा वाइट लग रहा है सर। मैं कर रहा हूँ राजा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। पावर पॉइंट पर कर सकते हो? अरे सर मैं ही कर रहा हूँ सर। ये लीजिए, कर दिया। सही है? हाँ सर, ये कर। सर सही है। सर वाइट कलर ले लीजिए। अगले में तो यार फिर से वाइट हो जाएगा। हाँ सर, वो फिर से कर दीजिएगा ना। सर क्या हुआ सर? ये आप ऐसे ब्लैक स्क्रीन पे लिखने का अचानक से सर? सर कलर चेंज। हाँ सर ऐसे। वो मैं उस पेज भी लिख रहा था सर। सर ये दूसरा पॉइंट है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखो। कोई पढ़ सकता है? यस सर, मैं पढ़। सर आई है विद्या। सर मैं शुभ गुप्ता। यस, अच्छा कुछ लोग वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके भाग गए हैं ना? हाँ सर। सर यहीं पे हैं। नो सर, मैं यहीं पर ही हूँ। मैं भी यहीं पे हूँ सर। शुभ गुप्ता, कैन यू रीड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? माही निगम। यस सर, आई कैन रीड सर। कैन आई? माही निगम, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। हेलो सर, यू आर ऑडिबल। सर शी इज स्पीकिंग but her voice is not coming now. Yes sir. Can I read? Okay, okay. Mahi Nigam, you are not audible. She does not open her mic only. Sameer Maurya, can you read? No, she unmuted. Sameer Maurya. Yes sir. Yes, please start the physical properties of water. The properties of water are different from those of oxygen and hydrogen. For example, water extinguishes fire, but oxygen supports combustion and hydrogen burns with pop sound. Pure water is colorless, odorless, tasteless, transparent liquid. Water consists in all three states, solid as ice, liquid as water, and gas as water vapor.
pure water burns at 100 degrees Celsius at 760 mm of mercury pressure. But the boiling point of water depends on the pressure. At low pressure, the boiling point decreases. At high pressure, the boiling point increases. Okay, can you explain? Can you explain, Samir Moria? Yes. From the starting point, the properties of water are different from those of oxygen and hydrogen. Yes, please. Can you start? Here it is written that oxygen and hydrogen are different from water. And for example, water, we can, if there is a fire, we can stop it, but oxygen supports it. And beta, Hindi mein samjhao. The properties of water are different from those of oxygen and hydrogen. So how we will explain it? From the starting point, you can, you can. Oxygen burns, oxygen jalne mein kisi ko reduce karta hai ya jalata hai aur hydrogen jalta hai. Lekin water usko rokta hai. ऑक्सीजन मदद करता है देखो बताता हूँ वाटर इज एक्सटिंग्विशेस द फायर वाटर क्या करता है फायर को जलने से रोकता है ऑक्सीजन सपोर्ट करता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो किसी को जलाया नहीं जा सकता और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है बर्म्स वही जलता है विद द पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन मदद करता है और वाटर जब बन जाता है तो वाटर ओवरऑल आग को बुझाने में रोकता है या आग को बुझाता है यानी कि आग को जलने से रोकता है तो इसका मतलब तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है हाइड्रोजन अलग होती है प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की अलग होती है और उससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है राइट इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ नो सर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद एनीवन Okay, so write the first point, first of all. The properties of water will be different from hydrogen and oxygen as we can see hydrogen burns with pop sound ऑक्सीजन अरे ब्लास्ट ब्रम ब्रम लाइक पॉपकॉर्न पट्ट सी आवाज होती है ना ऑक्सीजन सपोर्ट टू बर्न ऑक्सीजन सपोर्ट टू बर्न किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना हो ऑक्सीजन ही वो मीडियम है जो सपोर्ट करता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो वो बर्निंग खत्म हो जाएगा कुछ बच्चे धीरे धीरे लूज हो रहे हैं देखो अब ऐसे हम देख रहे हैं इस क्लास में बहुत चेंजिंग आई है कुछ अच्छे बच्चे पीछे की तरफ चले गए कुछ बुरे बच्चे आगे आ गए बोलने लगे पढ़ने लगे और कुछ अच्छे बच्चे क्या करते हैं वो धीरे धीरे करके अपने मॉरल को डाउन करते दो चार बार उनके मार्क्स आ गए तो हीरो बन गए वो हैं फिर धीरे धीरे वो पीछे चले गए तो ये समय के साथ परिवर्तन लगा रहेगा ठीक है बेटा वेरी नाइस एग्जांपल हाँ ऑक्सीजन सपोर्ट टू बर्न वाटर विल बिहेव एज फायर एक्सटिंग्विशर ये
आग को बुझाने में मदद करता है, यानी कि तो तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग। और इसका मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, वो भी लिख लेना, H2 प्लस या 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज वाटर। सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? जी बताइए, बिल्कुल बताइए सर। सर ऑक्सीजन में तो वैसे भी वाटर प्रेजेंट हो, सॉरी सर, वाटर में भी तो वैसे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तब भी सर वो बुझा क्यों देता है आपको? उल्टा उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ना। प्रॉपर्टी है उसकी यार आग को बुझाने के लिए, वो हाइड्रोजन की उसकी में रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए यही तो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ऑक्सीजन भले ही वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। यही एक केमिकल रिएक्शन होती है कि सब्सटेंस जो हमारा बनता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्ट, या जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है। यार प्रेजेंटेशन अच्छी आ रही है ना? हाँ सर। यस सर, आ रही है सर, वाइट से अच्छी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, प्योर वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है, ये हर किसी ने देखा है। उम्मीद करता हूँ प्योर वाटर हर किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा? देखा। प्योर वाटर कलरलेस, टेस्टलेस भी होता है। कभी मीठा, अच्छा प्यास कभी मीठे पानी से बुझती है क्या? नो सर। यार कोई विचित्र टाइप की आवाज निकाल रहा है, पता नहीं कैसे। सर वशिष्ठ हमेशा जब उसने बोला है जब उसको वेबकैम और माइक ना सर उसका जॉइंट है तो सर वो ना क्या कहते हैं, तो सर उस पास में रखते तो सर उसकी आवाज। प्योर वाटर विल बी टेस्ट कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। आज यार एक प्रेजेंटेशन, आज एक वर्कशॉप में करवाई थी, मैं तुम लोगों को प्रेजेंट करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आपने बनाई थी? आपने बनाई थी? हाँ सर, हमारी केमिस्ट्री की वर्कशॉप होगी। सर हमारी केमिस्ट्री है सर, तो केमिस्ट्री की अभी तक नहीं हुई सर। क्या करोगे सर? पता चला एक दूसरे के ऊपर एसिड डाल दिया, तो नहीं करना होता ना केमिस्ट्री का। अब ये अर्णव चतुर्वेदी जैसे लोग वहाँ हूँ हैं सर, वो क्या पता सर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे किसी के मुंह पे, स्किन जल जाए। ये वाला पॉइंट लिखना, प्योर वाटर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, अगले दो पॉइंट कोई पढ़ेगा? नहीं, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, वहां से उसका मीनिंग भी बताना है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर मेटल। सर जो वाटर होता है ना वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है। सॉलिड में उसका एग्जांपल हो सकता है आइस, लिक्विड में उसका एग्जांपल हो सकता है वाटर, और गैस में उसका एग्जांपल हो सकता है वाटर वेपर। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। पर ये क्या है? आर्क रिएक्टर जैसा कुछ लग रहा है। लेजर, अरे लेजर जैसा लग रहा है। लेजर सर, नेवी लेजर है सर। ये तो फिजिक्स की वर्कशॉप लग रही है, रिफ्रैक्शन की। तो आग रिएक्टर लग रहा है सर, सही दिया ने विद एन एग्जांपल। सर जो कृष्णा है सर, उसके पीछे इतनी सारी बुकें कैसे रखी हैं? सर कृष्णा का लॉयर है, लॉयर है। दिख रहा है? यस सर। यस सर, ये तो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन है हां सर, लेगो से लाइट से बेंड हो रही है ग्लास के अंदर। हाँ सर, वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है सर, तो नॉर्मल की तो बस बेंड होगी।
सर क्या था सर? बड़े आदमी से छोटे आदमी में जाएगा तो झुक के जाएगा। सर ये फिर से सर अगर इसमें स्पून बीच में वो कर देते हैं तो सर इसका बात रुक जाता ना? हाँ क्योंकि लाइट और सॉरी नहीं जा सकता। सर आपकी लेजर ऐसी है जो ग्लास के उसमें से वो हो रही है सर, मेरे पास जो लेजर है सर उसमें ऐसा नहीं होता सर, उसमें तो ग्लास पर करता हूँ पता नहीं सर वो अंदर दिखाई नहीं पड़ता ना? नहीं सर नहीं पड़ता। पड़ेगा बताएंगे कैसे पड़ेगा। सर नकली लेजर हो ये देखो पड़ रहा है ना बहुत अच्छे से इसमें। हाँ सर इसमें बिल्कुल लाइन जैसा पड़ रहा है सर, वो मेरे पास जो है सर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरे पास दीवालों पे कहीं पे भी कर लो हो जाएगा मगर ऐसे नहीं होता। बहुत पावरफुल है। पास नहीं कर रही है। ये देखो इसमें पढ़ रहा है ना पास कर रहा है। यस सर। तो इसमें तो बिल्कुल एक थ्रेड जैसा लग रहा है, थ्रेड पे ग्रीन लाइट कर दिए तो सर एक बताएंगे कैसे वो पास करेगा। सर ये किस क्लास का वर्कशॉप है सर ये तो बता दीजिए आप। तुम्हारी क्लास का ही है सर। कल वर्कशॉप है सर, कल बता देंगे क्या सर? हमारी क्लास का कैसे है सर? सेक्शन भी है क्या हमारी क्लास में? सही लग रहा है हमारी क्लास में सेक्शन भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेड चलो तो मेरे पास 500 MW की वो लेजर। मेरे पास तो पता नहीं कौन से नहीं पता सर, वो डिब्बा फेंक गया ना तो उस पे चेक नहीं किया और मेरी लेजर ऐसी है। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्योर वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है एंड ट्रांसपेरेंट है। वो आओगे तुमको समझाएंगे कैसे होता है, वो दिखा रहा था मैं। उसके बाद वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये पॉइंट तुमको लिखना है ये वाला। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। सर इसको भी ब्लैक कर दे। कैसे होगा यार सर? जो लोग ना सर जो ब्लैक ब्लैक बोल रहे हैं सब ब्लैक कर दो। मैंने कर दिया सर। कैसे कैसे किया? फोन में डार्क मोड सर। वो दूसरा वाला आता है ना सर, इसमें उससे हो जाता है सर। वो नीचे ऐसा ही एक ऑप्शन होता है वो। कैसे किया यार बता दो नहीं बाद में भूल जाएंगे यार। ड्रॉ है ना सर, ड्रॉ को खोलिए और जो सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है ना सर उस पे क्लिक करिए सर। जूम में एनोटेटर में। हां सर अब हो गया, अब चेक करिए सर ड्रॉ में फुल स्क्रीन होगा। हाँ सर आ जाएगा कलर। हाँ सर इसी तरीके से सर जो कलर चूज कर लो, कलर को चेंज कर दो, कलर चेंज ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो सर। फॉर्मेट फिर रेड कर लेना फिर से, पहले ब्लैक चूज करते। वाह यार चलो सब टेक्निकल गुरुजी है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो पॉइंट पढ़े, एक उसके बाद हमने और एक पॉइंट देखना है प्योर वाटर वाला, कि प्योर वाटर पहले तो एक लिख लेना सॉलिड और लिक्विड वाला। लिख लिया पॉइंट? सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, ये लिख लेना। अगला पॉइंट है प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 degree centigrade, boils at 100 degree centigrade. एक 760 mmHg यहाँ पर आपका प्रेशर लिखा है, mmHg. mmHg एक यूनिट है, mmHg एक यूनिट है प्रेशर को मेजरमेंट करने की। जो 760 mmHg पे जब हम 100 degree centigrade पर वाटर को बॉइल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो जो प्रेशर होता है वाटर पे वो 760 mmHg का लगता है और वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसी प्रेशर पे ही हम केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करते हैं। और जब ये प्रेशर चेंज हो जाएगा, कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां पर ये प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे कि हम अगर पहाड़ों पे जाएं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है, और अगर कम हो जाएगा तो वहां पर जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, वो आगे चल के हमारे मैटर में आएगा तो वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 mmHg,
इतना जानना इम्पोर्टेंट है। तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो जो प्रेशर होता है कितना होता है, 100 एमएजी, यहाँ पे लिखना है प्रेशर। हाँ प्रेशर की यूनिट है, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर, प्योरिटी वगैरह बारे बेटा बाद में बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात आएगी तो, डिपेंडेंस अपॉन प्रेशर इफ प्रेशर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट decreases. If pressure is low, boiling point increases. ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, उम्मीद करता हूँ समझ में आओगा। yes, एक और पॉइंट है, प्योर वाटर फ्रीज किस पे करता है, एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वक्त भी जो प्रेशर होता है एंड प्रेशर सेम होता है, 760 mmHg. गुड, जो प्योर वाटर होता है उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है? Yes, sir. बहुत ही रेयर केस में, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी, अगर थोड़ी भी इम्प्योरिटी रही तभी, नहीं तो वो बहुत ही बैड कंडक्टर होता है। अगर वो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं कंटेन करता, जब तक इम्प्योरिटी नहीं आएगी वाटर के अंदर तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा आपकी बैटरी वगैरह में। इसीलिए जो हम वाटर डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, क्योंकि वहां पर, और जो प्योर होता है उसी को डालते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है अगर वहां पर, अगर यूनिट्स अगर टच कर रही हैं, अगर कहीं भी टच कर जाएगी यूनिट तो ब्लास्ट भी हो सकता है अगर उसमें इम्प्योरिटी रहेगी तो इम्प्योर वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हम हमेशा प्योर वाटर यूज करते हैं। प्योर वाटर अगर होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो एक बात और है, प्योर वाटर is a poor conductor of, heat and, poor conductor of electricity and heat. Heat and electricity. सर आरओ का पानी प्योर है? नहीं 100% नहीं है प्योर। पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या होता है? 100% से इंसुलेटर, इंसुलेटर बेटा थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर मतलब एक तरीके से बैड कंडक्टर ही कहलाते हैं, और वो भी एक तरीके से कह सकते हो कि नॉन कंडक्टर की तरह से बिहेव करता है, बट उसका थोड़ा मीनिंग थोड़ा अलग होता है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर अलग अलग चीजें हैं। इंसुलेटर मतलब एक तरीके से नॉन कंडक्टर ही होता है। आगे बढ़ूं? सर बस लास्ट लाइन लिखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 degree centigrade. 4 degree centigrade एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसपे हम डेंसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 degree centigrade. 4 degree centigrade टेम्परेचर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है बेटा, बात समझ में? हाँ जी बेटा बताइए सर। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, जैसे सर एक कप को लिया, उसके अंदर हमने कैंडल रख दी, बहुत सारा पानी रख दिया, उसके कप रखा, उसके अंदर कैंडल, सर कैंडल जैसे बुझ जाती है तो पूरा वाटर अंदर से सक कर लेती है, पूरा वाटर ऊपर आ जाता है। हाँ होता है सर, ऐसा होता है कि सर कार्बोनेटेड वाटर जैसे कि कोका कोला के अंदर अगर सर वो कैंडल जलाए तो सर वो बुझेगी नहीं। वो कार्बोनेटेड वाटर का होता है सर, एसिड होता है उसमें। कार्बोनेटेड वाटर लिखा नहीं रहता कोका कोला के बाहर उसमें। सॉफ्ट ड्रिंक्स में सर कौन से कार्बोनिक सर? सॉफ्ट ड्रिंक एसिड की वजह से 30 दिनों तक प्रिजर्वेट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दिक्कत हमने यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर देखेंगे तो डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन ये आइडियल डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। ये थोड़ा सा चेंज आता है, उस डेंसिटी को निकालने पे भी फर्क पड़ता है और उसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जो हमारी आइडियल डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होती है वाटर के लिए। और वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लिक्विड होगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लिक्विड होगा, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो इसीलिए हम एक स्पेसिफिक मेजरमेंट लिक्विड के लिए निकाल चुके हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आती है। और हमेशा आप 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगा। बट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कुछ प्रॉब्लम है जो वॉल्यूम और डेंसिटी को डिफाइन करता है, वो आगे चल के हम बात करेंगे जब मैटर चैप्टर आएगा तो। ठीक है, 9th में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी नहीं हम पढ़ा सकते उसको। सर वो मैं पूछ रहा था कि सर ये जो कोका कोला ये सब होती हैं तो सर इनमें जो वाटर रहता है सर उसके अंदर क्या बोलते हैं सर वो जल सकता सर, वो कोई कैंडल जल सकता है वाटर के अंदर, वो कार्बोनेटेड वाटर कोका कोला का वाटर यूज करके देख लेना। देखो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट एक्स्ट्रा रही तभी केवल जल सकता है, क्योंकि सर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। हाँ तो ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट एक्स्ट्रा रही तो जल सकता है, नहीं तो नहीं जल सकता है, क्योंकि वाटर तो फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, चूना सर क्या होता है सर? क्या दीवारों सर चूना जो दीवारों पे लगता है सर वो कैल्शियम का बना होता है, स्लेग लाइम। हाँ तुमने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा एसिड बेस सॉल्ट वाला, सॉल्ट में नहीं बताया था? तो बताया तो था। ठीक है सर, आज हमारी बात बताना कितना क्या होता है। उसके बाद वाटर डिसॉल्वड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, एक और लिख लो लास्ट है ये। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है पहले तो ये समझो। सर वो इनऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक में डिसॉल्व? इनऑर्गेनिक है बेटा, वाटर जो होता है वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी पोलर, इनऑर्गेनिक जो सल्यूट होते हैं वो भी पोलर होते हैं, तो पोलर को पोलर में डिसॉल्व करना इजी होता है। तो जैसे हम NaCl वगैरह लेते हैं तो NaCl क्या करता है, अपने Na प्लस और Cl माइनस में डिसॉल्व हो जाता है, Cl माइनस में टूट जाता है, और वाटर भी H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, तो इनमें आयन एक्सचेंज होने के चांसेस भी होते हैं, और ये आयनाइज्ड रहता है दोनों, इसलिए इसके अंदर ये प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है। Na प्लस और Cl माइनस, S प्लस OH माइनस में वाटर टूटता है और वो Na प्लस Cl माइनस से टूटता है, जिस वजह से इजिली डिसॉल्व हो जाता है वो, क्योंकि आयनाइज हो जाते हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट क्लास में रिएक्शंस बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन में आएंगी, उसके बाद एक वाटर साइकिल भी आपको बताना है, तो वाटर साइकिल करवा देंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा। सर, समझ में नहीं आया क्या याला? इसमें Na प्लस, जो Na प्लस है वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, वो क्या करता है अपने आप को आयनाइज करता है, तो आयनाइज में वो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है, और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है तो वो भी H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इनमें आयन एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और सोडियम जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और
HCl बना देता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन एक तरीके से हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो आयन एक्सचेंज होता है। तो क्योंकि और आप ऐसे समझते हो कि लाइक डिजोल्व लाइक का एक कॉन्सेप्ट है, आपको लिखा देता हूं मैं, लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब होता है जो पोलर जो एक तरीके के सॉल्यूट होते हैं वो अपने तरीके के सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर में वो डिजोल्व होते हैं पोलर सॉल्यूट में, अरे सॉरी पोलर सॉल्वेंट किसको डिजोल्व करते हैं, पोलर सॉल्यूट को। So, जो नॉन पोलर होते हैं क्लास में, अरे जाओ यार तुम, अपने अंदर वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। फिर एक बार वो एक सेकंड पिछला वाला पेज दिखाइएगा। यस सर, बस एक सेकंड के लिए। सर इसमें आपने केसीएल लिखा है क्या? हाँ केसीएल भी लिखा है, पोटेशियम क्लोराइड। केसीएल क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा सर केसीएल, ओके सर सॉरी, ठीक है सर दिखाइए। तो क्या दिखाऊं सर? वही वाला पेज, ये वाला ना। सॉरी कर दिए सर मैसेज, मैंने भेज दिया आपको मैसेज को। सर डन, ओके यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। डन कुछ आया।